कुल्लू जिला मुख्यालय हनुमानी बाग में सुबह सवेरे गोम्पा में आगजनी की घटना हुई, जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आई, जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छत पर दिए जलाए जा रहे थे और दिए ने दूसरे दिए से आग पकड़ ली और टीन की छत में आग लग गई। समय रहते अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार गोम्पा में 4 दर्जन से अधिक लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। गनीमत रही कि इस आग में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वहीं शेरिंग डोलकर ने बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैसे तो 1 महीने तक बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है और आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, जिसे शुभ दिन माना जाता है। इस उपलक्ष्य पर आज गोम्पा में पूजा का आयोजन किया गया था, जहां दिए जलाते समय यह घटना पेश आई। उन्होंने कहा कि टीन के छज्जे में आग लगी और जिससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, बाकी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी समय पर पहुंच गए, जिससे आग पर काबू पाया गया। सर जी, आज हमारे यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा चला हुआ है जी। वैसे तो हमारे यहाँ 1 महीने चलते हैं, आज 15 दिन पूरा हो गए, तो आज के जो दिन है ना, वो हम बहुत शुभ मानते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर मंदिर में गोम्पा में पूजा चला हुआ है, तो इसलिए हम दिया जला रहे थे, तो दिया जलाते समय तो उनका आग एक दूसरे को आग पकड़ गए। ये आज सुबह हमने 8:30 बजे आग दिए जलाए थे जी। नहीं हुआ क्योंकि बाकी थोड़ा हमारा टिन है, टिन का हमने छज्जा लगाया था, टिन में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, बाकी ऐसा नुकसान नहीं हुआ जी। इतना हमारे फायर ब्रिगेड को फोन किया था, फायर ब्रिगेड भी पहुँच गए जी, सब ने सहायता अच्छा किया, फोन करते तुरंत पहुँच गए जी। और ये बुद्ध पूर्णिमा हमारे यहाँ अकेले नहीं है, पूरा ऑल वर्ल्ड में ना, जहाँ भी तिथि है वहाँ पर सारा गोम्पा में ये पूजा चला हुआ है जी। तो आज अनहोनी थोड़ा सा क्या है कि दिए से एक दूसरे को आग पकड़ गया जी, इसके लिए थोड़ा आग बड़ा हो गया ना, तो फिर आग बड़ा हो गया जी। पाइप और टिन लगा के 20-30 हज़ार हो, ऐसा हो गया होगा 20-30-15 से, क्योंकि टिन पूरा पुराना है जी। हमारे जो गोम्पा का टिन है सब पुराना होता है ना, तो वो हमने लगाया था सारा सेटिंग करके। अब आज इस पहले तो हम जो हमारा खर्चा पहले तो 15 था, अभी तो आजकल टिन वगैरह लोहा लेगा तो महंगा है ना, तो अभी एस्टिमेट करेगा तो 20-30 हो गया होगा खर्चा, इतना हो गया जी।